जी मेरे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क से सीनियर जर्नलिस्ट फुरकान भट्टी। फुरकान, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? थैंक यू फैसल। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस शुक्र यार, क्या माहौल है, क्या करा दिया यूएसए से हम हार गए, क्या वहां पर हालात चल रहे हैं, फैंस के रिएक्शन क्या है, कुछ बताएं जरा। फैंस गुस्सा है, फैंस चाहे पाकिस्तान में हो या यूएस में हो या दुनिया के जिस मर्जी कोने में पाकिस्तान के फैंस बैठे हों, निराश हैं वो बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान से बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने यूएस के अगेंस्ट दुनिया को दिखाई है। सो मेरा ख्याल है मोरल डाउन होगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक ही चीज से मोरल वापस आ सकता है, और वो इंडिया के खिलाफ एक अच्छी परफॉर्मेंस है। हाँ, आज बल्कि टीम पाकिस्तान का कल का जो प्रैक्टिस सेशन था वो कैंसिल हो गया था। आज पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग भी की, गैरी क्रिस्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए, होपफुली आप भी गए होंगे। तो कैसा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, कैसा कॉन्फिडेंस लेवल था, कैसा लगा आपको देख के उनको? गैरी, मैंने उनको ऑब्जर्व किया है कि गैरी अभी भी ना चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज अभी जैसे पाकिस्तान यूएस से हारा है, इसमें गैरी का कोई कसूर नहीं है। वो तो 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान टीम को उन्होंने ज्वाइन किया है। वो अभी सिर्फ लड़कों को ऑब्जर्व करेंगे कि किसकी कैसे बनती है, किसका किसके साथ दोस्ती है, कौन डिफरेंट ग्रुप्स में बैठता है। अभी मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप के बाद गैरी क्रिस्टन जरा अपने तरीके से ड्रेसिंग रूम को साफ करने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अभी गैरी का कसूर नहीं है, एंड गैरी वाज होपफुल, उनको ऑब्वियसली लड़कों पे बिलीव भी है। एंड गैरी मुझे प्रैक्टिस सेशन में सैम अयूब के साथ बहुत ज्यादा नजर आए हैं आज, तो मुझे लग रहा है, मेरी प्रेडिक्शन है कि सैम अयूब आपको शायद खेलते नजर आए। वो उनके साथ बड़ा क्लोजली काम कर रहे थे आज। बिल्कुल, कुछ टाइम पहले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि साइम को दोबारा टीम में लाया जाएगा, आजम खान को ड्रॉप किया जाएगा, साइम को एज अ ओपनर खिलाएंगे, रिजवान के साथ ओपनिंग करेंगे, तीसरे नंबर पे बाबर आजम आएंगे, चौथे पे फखर आएंगे। तो इसमें मतलब कुछ सच्चाई है कुछ हद तक, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो साइम के साथ कम्बिनेशन काम तो हो हाँ, कम्बिनेशन तो हम इस टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज रहा। पाकिस्तान से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, ये ऑन द डे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज जैसे मैंने पहले बताया है, गैरी क्रिस्टन सैम के साथ काफ़ी क्लोज नज़र आए हैं। लाइक मुझे एक विजुअल याद है, उनके कंधे पे हाथ रख के वो उनसे बड़ी देर बात भी करते रहे हैं, जैसे ऐसे लग रहा था कि उनको रेडी करना चाह रहे हैं। बाकी यू नेवर नो, मतलब मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने आज देखा है। हाँ, बल्कि ये भी खबर है कि इमाद वसीम जो है वो 100% फिट नहीं है, लेकिन उनको खिलाया जाएगा कल का मैच, मेडिसिन से, इंजेक्शन से, इंजेक्शन की मदद से, फिर उसके बाद। जी, इमाद ने आज पूरी बॉलिंग की है प्रैक्टिस सेशन में, उन्होंने पूरी बॉलिंग की है। मैं भी ये देख के हैरान था कि यार ये तो फिट नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने पूरी बॉलिंग की है, पूरी जान से बॉलिंग की है। अच्छा और गर्मी न्यूयॉर्क में लाइक सुबह 10:30 बजे यहाँ पे अच्छा मैच होता है, तो ये जो सुबह 11-12 बजे वेदर, खैर 28-29 सेल्सियस है, बट गर्मी है दिन के अच्छा टाइम, तो थोड़ा सा जान मार के उन्होंने बॉलिंग की है, ये पॉइंट है। अच्छा हाँ, मैं कुछ दोस्तों की वीडियो देख रहा हूँ, आपकी भी वीडियो देखता रहता हूँ, तो यही जो मुझे यहाँ बैठ के फील हो रहा है कि धूप तेज निकलती है, लेकिन जब आप किसी छाँव में जाते हो तो आपका मतलब अच्छा वेदर रहता है, बिल्कुल, हवा वगैरह हवा ठंडी ठंडी है। है। हाँ, तो इमाद के बारे में तो यही था कि जो इंडिया के खिलाफ मैच के बाद इमाद को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, और उसके बदले या उसामा मीर को कंसिडर किया था, लेकिन फिर भी कोच और ये वहाब रियाज माने नहीं, और अब उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए था, क्योंकि तो मेहरान मुमताज को कंसिडर किया जा रहा है। यही खबरें यहाँ पे भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन देखिए इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद ना पाकिस्तान का सारा कैंप चेंज भी हो सकता है, मतलब उनका मूड चेंज हो सकता है। अगर पाकिस्तान को वो जीत मिल गई जो इस टाइम वो दुआ कर रहे हैं कि हमें मिले, तो यू नेवर नो, आई मीन जब आपका मोराल हाई हो तो आपके इंजर्ड प्लेयर भी रेडी हो जाते हैं स्टे करने के लिए कि यार हम खेलेंगे, हम रहना चाहेंगे। अभी बहुत कुछ डिपेंड करता है पाकिस्तान की कम्पेन, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद पता लगेगी कि आगे किस तरफ जा रही है। हाँ, तो इंडिया टीम का कैसा माहौल चल रहा है? तो मुझे तो यही खबर मिली है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इवन रोहित ने कहा कि हम पाकिस्तान, ऑल्दो के यूएसए से हार गई है, लेकिन उनको इजी नहीं ले सकते। विक्रांत गुप्ता ने भी यही कहा, जब पाकिस्तान अपना गेम हारती है तो वो जो कमबैक करती है उससे खौफ आता है, वो ज्यादा खूंखार होके वापस आती है। बिल्कुल, पाकिस्तान की हिस्ट्री भी पास्ट में यही रही है कि जितना आप पाकिस्तान को नीचे गिराते हैं वो उतने बेहतर तरीके से उठ खड़ी होती है। लेकिन इस दफा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस दफा पर्सनल लेवल पे मैंने देखा है कि प्लेयर्स की जो फिटनेस है, चाहे आपके कैप्टन हैं, आपके फास्ट बॉलर हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस दफा मैं भी
यू नो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या पाकिस्तान टीम वाकई ही उठ खड़ी होती है कि नहीं, क्योंकि इस दफा सरकमस्टांसेस बहुत डिफरेंट हैं और बहुत डिफिकल्ट भी हैं. सो देखना होगा कि पाकिस्तान अपने आप को कैसे उठाते हैं. अच्छा चलो ये तो गुड है। और ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में कुछ आइडिया हुआ आपको, जैसे यार इंडियन कुछ टीम दे का ड्रेसिंग रूम का माहौल तो बड़ा अच्छा लग रहा है. आज जैसे वो प्रैक्टिस हाँ करने भी आए तो हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम फुटबॉल खेलते रहे हैं. जैसे कि आपको पता है शुरू में टीमें फुटबॉल खेलती हैं, चाहे लीग हो, या दे वर वेरी रिलैक्स, हंस रहे थे, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं थी. और पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली आज ज्यादा फोकस नजर आई. लेकिन अगर इससे पहले के विजुअल मुझे याद हो, जब वो डेलस से न्यूयॉर्क आ रहे थे, लेट नाइट उनकी फ्लाइट थी, तो बहुत ही मुरझाए हुए चेहरे थे. लेकिन अच्छी चीज ये है कि आज लोगों ने तस्वीरें भी देखी होंगी कि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम सिटी सेंटर गए हुए थे न्यूयॉर्क में, शॉपिंग भी की है, जो कि अच्छी बात है. फैंस बहुत ज्यादा कभी यू नो हार्ड हो जाते हैं, वो भी इंसान है, उनको खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इजी होने के लिए अगर वो बाहर जा रहे हैं तो आई थिंक इट्स ओके, वो उनको हेल्प करेगी चीज मैदान में. हाँ, मैं देख रहा था कुछ हमारे ही दोस्त शिकवा कर रहे थे कि यार आप इतनी बड़ी हार से आए हो तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी क्योंकि आप कंडीशन से अवेयर नहीं हो, हाँ, लेकिन मैं भी प्रैक्टिस तो उन्होंने बिल्कुल की आप ना, अब यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है हाँ सुबह. हाँ जैसे इंडियन ट्रू टीम ने प्रैक्टिस की है एक्सक्यूज मी सुबह 9 से 12, और हाँ पाकिस्तान ने 12:15 से 2:30. अब पूरा दिन है, हाँ और यहाँ पे जैसा कि हाँ आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में अंधेरा होता है रात को 9:30 बजे, तो ट्रू सारा दिन है, तो प्लेयर्स ने कुछ ना कुछ तो करना है ना अपने आप को रिलैक्स करने के हाँ लिए. और ये जो इनका बिल्कुल होटल है, इट्स इन नसा काउंटी, जो कि न्यूयॉर्क मेन टाइम स्क्वायर से कोई तकरीबन हाँ 2-2.5 घंटे दूर है, तो उनके पास ट्रू ज्यादा करने की ऑप्शंस भी इस एरिया में नहीं है. तो आई थिंक हाँ अगर वो कुछ करने के लिए सिटी सेंटर जा रहे हैं, इट्स ओके. हाँ टीम होटल भी चेंज किया गया था क्योंकि पहले तकरीबन स्टेडियम से 1.5 घंटा 90 मिनट्स की मतलब दूरी पे था, अब उनको उसको चेंज करके शायद 15-20 मिनट की दूरी पे है। मैं बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, प्लेयर्स को रिलैक्स रहना चाहिए, हार एक टॉर्चर होता है तो बेहतर है आप रिलैक्स हो घूमें फिरें पे। लेकिन आज उन्होंने प्रैक्टिस की जो कि अच्छी बात है, कंडीशन से जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैरी ने भी कहा कि ये डिसएडवांटेज मुझे नहीं लगता कि होगा कि वो कंडीशन से अवेयर है और हम नहीं है, आपको क्या लगता है? यार, इट्स सब्जेक्टिव, बट एक चीज जिसका मुझे बहुत कंसर्न है, प्रैक्टिस तो दूर की बात है, पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने अभी ग्राउंड देखा भी नहीं है, ये ज्यादा बिल्कुल खतरे की बात है. मतलब अब जब मैं आई थिंक बांग्लादेश और इंडिया के मैच में मैं पहली दफा ग्राउंड में गया था, वार्म अप मैच था इनका, तो जब भी आप किसी ग्राउंड में जाते हैं आपको आधा पौना घंटा लगता है आप ग्राउंड देखते हैं, कौन सी बाउंड्री भरी है, यू नो मीडिया बॉक्स कहाँ पे है, कितनी पिचेज हैं. सो कंडीशंस के साथ हमकनार होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, और हम सिर्फ वहाँ यू नो एज ए मीडिया पर्सन जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने वहाँ पे खेलना है, आप इमेजिन करें कि वो जिंदगी में पहली दफा उस टेम्प्रेरी ग्राउंड में जाएंगे जहाँ पे सारे कंटेनर्स हैं, उसका मीडिया बॉक्स भी ऐसा है, आप वहाँ पे बैठे हो तो वो ऐसे ऐसे हो रहा होता है, कंटेनर है ना, हर टाइम हाँ हिल रहा होता है, वो कंटेनर वाइब्रेशन है. सो प्रैक्टिस तो दूर की बात है. मुझे इस चीज की हैरानगी है कि यहाँ पे थोड़ा सा पीसीबी को बेहतर अपने लड़कों के लिए इंतजाम करने चाहिए, कुछ आईसीसी के साथ ऐसे मामले तय करें कि आपका कैप्टन और कोच दोपहर 2-3 बजे को, 2-3 बजे के बाद मैच खत्म हो गया साउथ अफ्रीका नीदरलैंड का, बिल्कुल सामने है होटल, जो पाकिस्तान टीम का होटल है ना वो मैरियट होटल है, वो ग्राउंड के अच्छा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बिल्कुल सामने. ओ अच्छा गुड और जो इंडिया का होटल है वो 15 मिनट की ड्राइव है. अच्छा सो सही आप है साउथ अफ्रीका नीदरलैंड के मैच के बाद आप विजिट करें पिच को, ग्राउंड को, आपका पूरा राइट है, आपका वर्ल्ड कप का मैच है, लेकिन ऐसी कोई चीज प्लान नहीं की गई. इसको कहते हैं हाँ। ना आउट ऑफ द और बॉक्स सोचना. बिल्कुल कहा यह भी जा रहा है कि जो जिस पिच पे आज साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड का गेम हो हुआ है उसी पिच पे कल पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, सच बात है ये? हाँ जी बिल्कुल, उस पिच पे है, उस पिच पे है. तो कैसी लगी आपको पिच, आप वहां मौजूद थे? यार पिच तो बिल्कुल ये सेम ही है, ये अभी तक तीसरा विकेट यूज हुआ है, इस ग्राउंड में 7 विकेट्स हैं, ये तीसरा विकेट यूज हुआ है जो बिल्कुल सेम खेल है. वो मैं हर्षा भोगले का एक इंटरव्यू भी सुन रहा था क्रिक बज पे, वो कह रहे थे कि जब पहले दिन वार्म अप मैच हुआ है तो उन्होंने कहा था कि दुआ करें कि ये आम की पेटी में पहला आम खराब निकले, बाकी सारे आम ठीक हों, तो पिचेस पे वो यू नो रेफरेंस देना चाह रहे थे. बट अनफॉर्चुनेटली लग ऐसा रहा है कि 7 की 7 विकेट्स एक जैसी हैं, और ये कहीं ना कहीं आईसीसी को ये बात पता है, इसीलिए आईसीसी ने परसों ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी निकाली कि हमें इस चीज़ की नॉलेज है कि पिचेस वैसा बिहेव नहीं कर रहे जैसा उनको करना चाहिए, और हमने दुनिया भर से एक्सपर्ट्स बुलाए हैं जो इस पिच को देख रहे हैं. लेकिन
क्रिकेट एक्सपर्ट्स एक्स क्रिकेटर्स यही कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने दसना सी ना कि जब किस्मत खराब हो ना तो पूरी पेटी भी खराब निकल आती है। तो यार कुछ खबरें ये भी थी कि जो ड्रेसिंग पाकिस्तान के जो ड्रेसिंग रूम का माहौल या प्लेयर्स में आपस में लड़ाइयां झड़ाइयां, लेकिन आज उसकी भी वो आ गई कि नहीं सारी गलत बातें हैं। फिर वो जो लास्ट ओवर का डिसीजन था वो किसका था, कुछ आपको इस बारे में पता चला? जो हारिस रोग ने लास्ट बॉल की फील्डर अंदर रखा। एक चीज तो हम थोड़ा रियलिस्टिक होके बात करते हैं कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो बहुत ज्यादा है। यही इमाद वसीम, यही मोहम्मद आमिर कुछ अर्सा पहले बिल्कुल खुल के बाबर आजम के अगेंस्ट का वर्ड में यूज करूंगा, उनके अगेंस्ट बोलते थे। अब वही लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर हैं। अब इसका मतलब है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो बहुत ज्यादा है ऑलरेडी। और जब आप हार जाएं, आपको ये हार मिले, फिर तो आपको पता है कि और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर ऊपर से आपने शाहीन से कैप्टनसी वापस ली हुई है, वो अलग एक ऑब्वियसली इंसान है, दिल में बात तो रह जाती है। ऑल्दो के यही है कि अभी तक तो हालात बेहतर जा रहे हैं। बाबर आजम ने कल बल्कि इफ्तिखार पर भी गुस्सा किया था, थोड़ा नाराजगी का इजहार किया था, क्योंकि सुनने में यही आया मुझे कि बाबर आजम जब मैच चल रहा था बाबर आजम वॉशरूम गए थे और उसने इफ्तिखार ने स्लिप पे जो वो चौका मिस किया था, हिला भी नहीं था अपनी जगह से, तो जब बाबर वापस आए बाबर ने पूछा कि यार ये चार जो है किस तरह हुआ। जब पता चला इफ्तिखार तो उसको डांटा भी था, बाहर ड्रेसिंग रूम में भी आगे डांटा था कि यार जब मैं किसी फील्ड में खड़ा करता हूँ तो उसी पोजीशन में रहा करें, आप उसे आगे पीछे ना होएं। तो इस तरह की भी बातें चलती रही हैं। आई होप, खैर ये तो नॉर्मल होता रहता है, कैप्टन है। और बाबर ने ये भी दावा किया है कि भाई मैं कैप्टन हूँ तो मेरी ही सुनो क्योंकि कौम को मुझे जवाब देना है। तो मुझे लगा ये बात तो बातें हैं जो जब पाकिस्तान हार जाए तो ये बातें हमेशा बाहर आती हैं, बट चूंकि मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं था तो मेरे पास इस चीज की कोई गवाही नहीं है। बट हाँ, एक बात बिल्कुल सच है कि जब आप हारते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, और मेरा ख्याल है होने भी चाहिए। बाकी आपने वो जो आमिर का क्वेश्चन पूछा था कि उनको आखिरी ओवर क्यों दिया गया, देखें ये तो मुझे नहीं पता कि क्या सोच के उनको दिया गया, लेकिन ये बात तो हम सब के दिमाग में आई होगी कि बाबर आजम ने एक इंटरव्यू में बुमराह और नसीम के कंपैरिजन में नसीम को पिक किया था। मुझे लगता है कि आमिर के वहम व गुमान में भी नहीं था कि ये ओवर सुपर ओवर में जाएगा, ये मैच सुपर ओवर में जाएगा, और उन्होंने अपनी पूरी जान मार दी थी अपने आखिरी ओवर में, और उनका स्पेल अच्छा था। अब आमिर के बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, पूरी दुनिया में इस टाइम दो क्रिकेटर ऐसे हैं जो अपना पर्सनल ट्रेनर साथ कैरी करते हैं, एक आंद्रे रसल, एक मोहम्मद आमिर। सो आमिर की जो बॉडी है वो टूटी हुई है, उनको हर मैच के बाद 2-3 घंटे का ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अब एक ऐसा क्रिकेटर जिसकी बॉडी बिल्कुल टूटी हुई है, चौथा ओवर डेलस में बहुत गर्मी थी, इट वॉज लाइक 45-46, बहुत गर्मी थी, और वहां पे उन्होंने अपनी पूरी जान से चौथा ओवर डाल दिया, और 5 मिनट के बाद उनको दोबारा जब ओवर करना पड़ा तो मेरा ख्याल है कि वो एग्जॉस्ट लग रहे थे, उनसे वाइड भी हो रही थी, वो मिस फील्ड पे गुस्सा भी कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है अगर आप थोड़े बेहतर फ्रेश बॉलर की तरफ जाते तो वो ज्यादा बेहतर शायद चॉइस हो सकती थी। और एक अर्ली प्रेडिक्शन भी मैं आपको बताऊं, मुझे लग रहा है कि नसीम शाह को इंजरी कैरी कर रहे हैं, बिकॉज ही इज रनिंग वेरी स्लो, शायद इसीलिए उनको वहां पे ओवर भी नहीं कराया गया, बट ये आने वाला टाइम बताएगा, बट आई थिंक ही इज कैरिंग एन इंजरी। अच्छा, नहीं अगर क्योंकि जो जिस विकेट पे जिस पिच पे कल मैच होना है उस पे यही कहा जा रहा है कि आप 4 या 5 पेसर्स के साथ भी जाएं तो सही रहेगा, स्पिनर की कुछ वहां पर स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं होगा उस पिच पे। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान ने हमेशा विकेट को गलत रीड किया, चाहे आप एमसीजी की एग्जांपल ले लें जहां पे नवाज ने आखिरी ओवर भाग के करा लिया, मतलब आप एक बॉलर शॉर्ट थे, तो इनको ऑलरेडी पता होता है कि इस विकेट पे हमें एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए या स्पिनर के साथ जाना चाहिए, बट दे प्ले सेफ। ये एक पूरा बॉलर या पूरा बैटर खिलाने की बजाय एक दरमियान वाला बंदा खिला लेते हैं कि हमारी बचत हो जाए, और जब आपके अंदर डर हो, खौफ हो, तो वही होता है जो यूएसए ने आपके साथ किया। बिल्कुल, इससे तो हमें तो अफगानिस्तान की गेम से सबक सीखना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट खेले उनकी, हालांकि जब वो टॉस जीता न्यूजीलैंड उन्होंने बैटिंग इनको दे दी, मुश्किल विकेट थी, विकेट वो बिल्कुल भी आसान नहीं, अफगानिस्तान का फ्लूक नहीं है, अफगानिस्तान अब आपसे बेहतर टीम है, अफगानिस्तान इंडिया के बाद अब एशिया की दूसरी बड़ी टीम है, और दिन ब दिन वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, और उनके क्रिकेट बोर्ड ने भी हमेशा
बेहतर स्ट्रेटजी अपनाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जैसे इंडिया वाले वर्ल्ड कप में अजय जडेजा आ गए टीम के साथ, इस वर्ल्ड कप में डैरन ब्रावो को बोले, डीजे ब्रावो को बोले जाए, तो ये मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो आपको पता है लोग अफगानिस्तान पे बड़ा मजाक उड़ाते हैं, उनको कई उल्टे पुल्टे नामों से पुकारते हैं, लेकिन आप उनकी स्ट्रेटजीज देखें। अभी कल जैसे गुरबाज का इंटरव्यू किया मैच के बाद ब्रॉडकास्टर्स ने, तो आप उसकी अंग्रेजी सुन लें, मतलब पूरी दुनिया को पता लगता है यार कि अफगानिस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो जो मैसेज वो दे रहे हैं दुनिया को वो अच्छा दे रहे हैं, आप चाहे हंसते रहें। गुरबाज का आपने जिक्र किया, गुरबाज का जो मिड इनिंग का इंटरव्यू था ना, जब वो 80 स्कोर करके आए थे, तो उनका इंटरव्यू लिया उन्होंने, तो वो वहां पर ही बहुत कॉन्फिडेंट थे, जब वो बात कर रहे थे एक चैलेंज नजर आ रहा था मुझे उनकी आंखों में कि भाई जीत के दिखाओ। उसने बार बार वो यही बात बोली कि यार ये ट्रस्ट में ये विकेट इजी नहीं है, और 159 जो हमने टारगेट किया हम बहुत खुश हैं, हमारे पास जो बॉलर हैं वो अनबिलीवेबल हैं, अनप्लेएबल हैं, और उन्होंने प्रूव किया, न्यूजीलैंड को बिल्कुल भी अपने करीब नहीं आने दिया। ऑब्वियसली यार व्हेन यू हैव अ बॉलर लाइक राशिद खान इन योर टीम, नए बॉल से फजल हक फारूकी जैसे बॉलिंग कर रहे हैं, नवीन की बॉल जैसे यहाँ पे निकलती है अंडर द लाइट्स, तो न्यूजीलैंड का कोई चांस ही नहीं था। रही सही कसर, एक छोटा सा आउटसाइड चांस था जब विलियमसन विकेट पे खड़े हुए थे कि वो गेम को लंबा लेके जाएंगे, बट वहाँ पे कैप्टन राशिद खान आते हैं, ही वॉज ऑन ए हैट्रिक एक पॉइंट पे, उनकी उन्होंने विकेट ली, उसके बाद नबी आते हैं, फिर राशिद ने कैच एक लिया, तो राशिद एज ए कैप्टन कभी गेम से बाहर थे ही नहीं, एंड अफगानिस्तान सुपर एट्स में डेफिनेटली जा रही है। बिल्कुल कोई शक नहीं, मैं अभी इस पे हूँ कि सुपर एट खेलेगी, और ये कोई फ्लूक नहीं होगा, ये कोई अपसेट नहीं होगा, वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनकी जो जर्नी है वो वाकई अप्रिसिएशन के काबिल है। बाकी माहौल बताएं आप वहां पर हैं कुछ, क्योंकि आज जैसे पाकिस्तान इंडिया गेम से पहले की रात है, उसको चांद रात कहा जाता है, वहाँ क्या माहौल है, कोई पाकिस्तानी इंडियन फैंस को टाकरा वाकरा हो रहा है? पाकिस्तानी फैंस तो बहुत ऑब्वियसली मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन शायद पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान फैंस बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं। इंडिया की क्रिकेट पिछले कुछ टाइम में, स्पेशली जो हमारी जनरेशन है ये वाली, उन्होंने इंडिया को डोमिनेट करते हुए देखा है, लेकिन कभी ना कभी पाकिस्तान फैन आपको होपफुल नज़र आते हैं कि नहीं यार हम देख लेंगे, लेकिन इस दफ़ा वो सीन नहीं है, क्योंकि अभी USA का शायद वो ट्रेलर था और मेन कोर्स अभी हमारा बाकी है, सो पाकिस्तान फैंस बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखे हुए। मैं जितने पाकिस्तान फैंस से यहाँ मिला हूँ, किसी ने ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल किया है, UK से ट्रैवल किया है, इवन US के अंदर से बड़ी लंबी फ्लाइट्स लेके, 6-7 घंटे की फ्लाइट लेके लोग आए हुए हैं, लेकिन निराश हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं और उम्मीद में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इस बात पे मैं एग्री करूंगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने एक साथ ही बल्कि ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप कवर किया था, दूर दूर से इंग्लैंड से USA न्यूयॉर्क वगैरह से सबसे सब जगहों से लोगों ने ट्रैवल किया था, फैमिलीज के साथ ट्रैवल करके वर्ल्ड कप देखने आए थे, मतलब कितने शौकीन हैं और कितने बड़े फैंस हैं ये क्रिकेट के, तो जब आए और रिजल्ट ऐसा मिले तो जाहिर बात है मायूसी तो होती है। बिल्कुल सही बात। तो बाकी यार ऑल द बेस्ट, आप जबरदस्त कवर कर रहे हैं और एंजॉय करें, न्यूयॉर्क को भी बेस्ट विशेस टीम पाकिस्तान के लिए आपके लिए। थैंक यू फैसल, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंशाल्लाह थैंक यू फैसल, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ख्याल रखें, अल्लाह।